हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सीट मैट्रिक्स के बारे में, जो कि रिलेटेड होगा पर्टिकुलरली प्री पीजी एग्जामिनेशन के लिए। अभी आप सभी ने रिसेंट में प्री पीजी का एग्जामिनेशन दिया है, उसमें आप सभी को डाउट होगा कि कितनी नंबर ऑफ़ टोटल सीट्स हैं प्री पीजी में, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं और उनकी फ़ीस क्या होने वाली है। तो ये जो सीट मैट्रिक्स है प्री पीजी की, ये 2022 की है। इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं प्री पीजी में वो 332 मेंशन की गई है, पर ये एक्चुअल नंबर ऑफ़ सीट्स नहीं है। यहाँ पर 332 का एग्रीकल्चर प्री पीजी से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे और सब्जेक्ट्स भी इन्वॉल्व किए गए हैं, लाइक रिसोर्स मैनेजमेंट की सीट्स को भी इसके अंदर जोड़ा गया है, टेक्सटाइल एंड जो डिज़ाइनिंग है उसका कोर्स भी इसमें जोड़ा गया है। तो ये सारी आपके काम की नहीं है, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, लाइक पैथोलॉजी हो गया, मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी हो गया, निमेटोलॉजी हो गया, इसके अलावा सोयल साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, एग्रोनॉमी, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें आप कौन सी पर्टिकुलर कॉलेज में कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, और उस पर्टिकुलर सीट के आगे उनकी उन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस भी लिखी हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आप अपने अफोर्डेबल लेवल के अकॉर्डिंग, आप जब काउंसलिंग का टाइम हो तब आप उसके अकॉर्डिंग अपनी सीट को फिल करें। अब क्योंकि ये सीट मैट्रिक्स 2022 एग्जामिनेशन की है, हर साल देखो सीट मैट्रिक्स चेंज होती है, कैटेगरी वाइज जो सीट्स हैं उनका उनके लिए भी जो परफॉर्मा बनता है वो हर साल अलग अलग होता है, पहली बात। दूसरी बात, 2023 में जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था इसमें प्री पीजी एग्ज़ामिनेशन में कुछ सीट्स को इंक्रीज़ किया गया था, लाइक फ़तेहपुर जो कॉलेज है वहाँ पर प्री पीजी की सीट आई थी, यानी कि एमएससी की सीट्स वहाँ पर इंक्रीज़ हुई थी। इसके अलावा रारी जो है जयपुर में, वहाँ पर भी प्री पीजी की सीट्स जो थे उनमें इंक्रीमेंट देखने को मिला था। तो ये आप एडिशनल दो कॉलेजेस मान सकते हैं जहाँ पर 2023 में सीट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुई थी। बाकी तो एक्यूरेट एकदम कितने नंबर ऑफ़ सीट्स हैं ये सीट मैट्रिक्स 2024 आने के बाद ही पता लगेगा, पर यहाँ से आप एक रफली आइडिया ले सकते हैं अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट चॉइस और पर्टिकुलर कॉलेज चॉइस के बेसिस पर कि उसकी फ़ीस क्या रहने वाली है और कितने नंबर ऑफ़ टोटल सीट्स हैं।